हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीपीएस इंस्टॉलेशन नॉलेज में। और मैं आपका दोस्त मुकेश सोनी, और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बस की जीपीएस की इंस्टॉलेशन। जो दोस्त हिचकिचाते हैं कि भाई किस गाड़ी में कैसे जीपीएस की इंस्टॉलेशन करेंगे, तो मैं आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टूरिस्ट बस की जीपीएस की इंस्टॉलेशन। देखो, मेरे चारों तरफ आपको बस ही बस देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे वोल्वो की और टाटा की लीलैंड गाड़ियाँ हैं सारी। तो आ जाओ दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी बस के अंदर आज हम जीपीएस की इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो ये बस है दोस्तों, देखो ये बस है, और इसका देखो चारों तरफ से कितना बढ़िया फर्स्ट क्लास किया हुआ है। आप देख के इसको बता नहीं सकते कि ये गाड़ी जो है टाटा की है। ये देखो कितनी शानदार लग रही है। ये रेड बस के अंदर भी अटैच करी हुई गाड़ी है। इसके अंदर सारे फुल्ली सारे फंक्शन वगैरह लिखे हुए हैं। फुल्ली एसी, कंफर्ट सीट, स्लीपर, मोबाइल चार्ज, बैंकेट्स, मतलब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसके अंदर। डॉल्बी साउंड, सीसीटीवी, मतलब पूरा घर का पूरा आनंद ले सकते हैं आप इस गाड़ी के अंदर। हाँ दोस्तों, पीछे दिखा था आपको गाड़ी। ये इन भाई ने अपना लोगो बनवा रखा है, अशोक ग्रुप दिल्ली। 25 वर्षों से आपकी सेवा में। ये देखो बैक साइड से देखो क्या लुक आ रही है इसकी, एकदम मतलब फुल वोल्वो वाली। कोई देख के कह नहीं सकता कि टाटा की गाड़ी है। आ जाओ दोस्तों, अंदर से दिखाता हूँ आपको गाड़ी किस प्रकार की है। और अभी मैं अपने ड्राइवर भाई से मिलवाता हूँ आपको। ये देखो भाई, भगत सिंह भी बने हुए हैं इसमें। यहाँ से इसको ऐसे ओपन कर लेंगे भाई। ये हमारे ड्राइवर भाई, अभी दिखाता हूँ आपको इसका डैशबोर्ड वगैरह। देख लो कितना बढ़िया अच्छे तरीके से फ्लोरिंग वगैरह करी हुई है इसकी। और अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ उस साइड से। देखो ये कितना बढ़िया तरीके से अच्छा पूरा वुडन के अंदर बना के रखा हुआ भाई ने। पूरी झालर वगैरह सेटिंग सेट करके रखी है। देखो हमारे भाई ड्राइवर है, यही चलाते हैं इस गाड़ी को भाई। और सारे फंक्शन यही भाई बताएंगे कौन सा स्विच किस तरीके से काम करता है। एक ही चीज के स्विच है भाई सारे। ये एसी का है, एसी कम ज्यादा करने का। और ये पूरा एसी है, ये एसी की पूरी मॉनिटरिंग है। गर्म और ठंडी एसी वाला। अच्छा, और जिसके अंदर ग्रीन और ये रेड लाइट दी हुई है किस चीज की? ये गर्म वाली है, ठंडी वाली है। अच्छा, मतलब गर्म करना हो, मतलब गर्म वाला चालू करना हो तो ये जल जाएगी हॉट एयर के लिए, और ये ठंडी हवा वाले। अच्छा, गर्मियों के अंदर इसका इस्तेमाल करते हो और सर्दियों में इसका। उधर से स्विच वगैरह जो है, ये पूरी लग पाप उसका इंडिकेटर चारों आगे पीछे की आ जा भाई ने पूरा बता दिया हमारे को तेरी को सब। तो यहाँ पे इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ये नीचे बैठने के लिए सीटें दी हुई हैं, आराम से यहाँ पे बैठो। और यहाँ ऊपर की तरफ देखोगे आप तो यहाँ पे सोने के लिए स्लीपर है, यहाँ पे आराम से आप लेट सकते हो, सो सकते हो। और यहाँ नीचे सीटें अच्छी सी दी हुई हैं सारी बैठने के लिए। और यहाँ पे कंबल वगैरह रखा हुआ है ठंड के टाइम में, गर्म ठंडी हवा के लिए ये ऊपर जगह बनी हुई है सारी। चलो अब दोस्तों इंस्टॉलेशन हम इसकी शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो है हम ब्लैक बक का जीपीएस इंस्टॉल करने वाले हैं, QS 109। तो इसके अंदर पीछे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, इजी तरीके से आप इंस्टॉलेशन इसकी कर सकते हैं। इसकी वायरिंग है, ये है रेड पावर वायर, ब्लैक अर्थ की, जो ग्राउंड अर्थ है जो बॉडी पर लगेगी। ये हमारे को मेन सप्लाई में डालनी है, ये अर्थ पर लगानी है। ये जो चाबी जिससे ऑन होती है, जिस पे चाबी पे करंट आता है, ये उस पर लगेगी इग्निशन वायर। और ये हमारे रिले कमांड के वायर है जिससे गाड़ी लॉक वगैरह करनी होती है उसके लिए ये यूज़ होती है। और ये गाड़ी हमारी जो है डबल बैटरी पे चलती है, 24 वोल्ट की है। तो इसके अंदर 24 वोल्ट का रिले हम लगाने वाले हैं। ये इसके अंदर दो वायर ये ग्रीन दी हुई है, एक हमारी फीमेल में लगेगी और एक हमारी जो है मेल में लगेगी। ये इसमें पिन दी हुए हैं। और इसके अंदर एक पीली वायर है, एक वाइट वायर है। तो वाइट वाली वायर को हम पावर के अंदर लगा देंगे, जो सप्लाई आएगी इस पर लगाएंगे। और ये वाली जो है इसकी येलो वाली जो रिले कमांड दिखाई थी उस पर लगेगी ये वायर। ये सारी वायरिंग मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। जो दोस्त नए चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो ये जो एक बहुत बड़ा हाउक बना रखा है कि भाई बस के अंदर कैसे लगेगा, बस भी बिल्कुल ईजी है, जैसे ट्रक के अंदर लगाते हैं नॉर्मली इसके अंदर भी लगेगा। बस इसके अंदर जो स्विच वगैरह दिए हुए हैं इन चीज़ों को नहीं छेड़ना है किसी भी चीज़ को। जो हमारे को इसके अंदर जो प्लग दिया हुआ है नीचे, वो मैं अभी दिखाता हूँ, वहाँ से आपको कनेक्शन करने हैं। सबसे पहले इसका जो है डैशबोर्ड खोल लेंगे। सॉरी, मैं एक चीज़ करना भूल गया पहले। सबसे पहले इसको चाबी को ऑन करके चेक कर लेना होता है हमारे को, ऐसा ना हो कि पहले से कोई प्रॉब्लम हो उसके बाद में फिर लगे कि हमारी वजह से प्रॉब्लम हो गई है। तो पहले से चेक कर लेंगे इसमें डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं मीटर के अंदर, पहले देख लेंगे। यहाँ पे एक बैटरी का लोगो आ रहा है और बाकी मीटर के अंदर यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ प्रेशर का जो है ये दिखा रहा है। और बाकी इसके अंदर अलग से और कोई भी चीज़ नहीं है जो जल रही है, यहाँ पर कुछ नहीं आ रही लाइटिंग वगैरह भी। कोई नहीं, अभी गाड़ी के अंदर थोड़ा काम हो रहा है इसलिए अभी इसे स्टार्ट करके नहीं देख रहे हैं। स्टार्ट में कोई दिक्कत नहीं भाई कह रहे, तो इसे ऐसे ही खोल लेते हैं।
तो इसके अब चारों पेज खोल चुके हैं। अभी से आराम से मीटर को जो है पेचकस की मदद से थोड़ा सा तिरछा करके निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा ये। इस तरीके से निकाल लिया हमने इसे। और ये इसके अंदर जो है वही ट्रक की तरह हमारी जो मेन प्लग एक ये दिया हुआ है, ये इसका मेन स्विच दिया हुआ है, ये मेन प्लग है, इसमें डायरेक्ट करंट आता है। और ये जो है हमारा उससे लगा हुआ है, इसके अंदर तीन है, एक सेल्फ है, एक लाइट का है, और सबसे ऊपर जो है हमारी इग्निशन जो ACC जिसके अंदर मैंने वो ऑरेंज वायर बताई थी वो इसमें लगेगी आपकी वायर। तो मैं अभी इसको निकाल के दिखाता हूँ। हम इसके अंदर कोई तार काटने वाले नहीं है, हम अपनी किसी भी गाड़ी के अंदर तार नहीं काटते किसी भी इंस्टॉलेशन में। मेरे चैनल पर हर तरह की गाड़ियों की वीडियो आपको मिल जाएगी, बिना तार काटे कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, BMW तक की आपको इंस्टॉलेशन की वीडियो मिल जाएगी। तो मैं अभी आपको इसके अंदर विद रिले इंस्टॉलेशन करके दिखाने वाला हूँ। अर्थ के लिए देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक हैवी नट का यूज़ किया है, तो अभी इसी तरीके से लगाएं, किसी पेच वेच में ना लगाएं, और अगर स्टीयरिंग में लगा देंगे तो GPS ख़राब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ये है हमारे डिवाइस की मेन सप्लाई वाली वायर पावर की, इसको छील लेंगे थोड़ा लंबा, इसको थोड़ा सा और लंबा छील लेंगे। इतने लंबे क्यों छील रहा हूँ मैं, ये अभी आपको दिखाऊंगा मैं, इसका भी अपना बेनिफिट होता है। तो अब जो है इसका ये वाला प्लग, इसको यहाँ से ऐसे पुश करेंगे और यहाँ से खींच लेंगे, ऐसे निकल आएगा ऐसे। तो ये इसकी जो है बैटरी वाली साइड है, यहाँ पे हमेशा करंट आता है। ये हमारी चाबी वाली साइड है, तो इस वाली साइड को हम जो है अपनी पिन पेचकस की मदद से निकाल लेंगे। ये यहाँ पे इसके अंदर एक लॉक है, इसको ऐसे प्रेस करेंगे और ये ऐसे निकल जाएगा। ऐसे निकालने के बाद इसका जो अंदर का लॉक है इसको वापस उठा देंगे, और यहाँ पे हमने जो है अपनी वायर जो छीली थी इतनी लंबी, इसको इसमें डालेंगे। अब इसको जो हमने अच्छे तरीके से इसमें लगा दिया ऐसे, और इसका लॉक जिस तरफ था वो देख के वापस इसे अंदर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा बिल्कुल फिक्स हो चुका है, कोई लूज वगैरह का कोई वो नहीं। अगर हम ऊपर से तार डाल देते हैं तो लूज होने का चांस रहता है। तो यहाँ पे भी हमने ये लगा दिया है, तो हमारे जो है पावर और अर्थ के जो है कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब हम इस डिवाइस को अपने कनेक्ट करके देख लेंगे। ये हमारा डिवाइस है, यहाँ से इसका ओपन करने का दिया हुआ है, इसको ऐसे अपना नाखून से ओपन कर लेंगे और इसको ऐसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें इस तरीके से लाइट आ जाएगी, अभी लाइट ब्लिंक कर रही है। जब ये लाइट स्टेबल हो जाएगी तो इसके अंदर नेटवर्क पूरी तरीके से आ जाएंगे। तो अब इसके अंदर लगाने के बाद स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन कर दिया है अब हमने। स्विच ऑफ पे भी इसके अंदर लाइट आ रही थी, यानी हमारे जो है पावर के और अर्थ के कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर रिले लगाते हैं अपनी। अब ये वाला जो है प्लग, इसके अंदर भी इसको ऐसे पीछे से प्रेस करेंगे और ऐसे खींच लेंगे और ये निकल जाएगा ऐसे। ये निकल चुका है इस तरीके से पूरा। अब जो है इसकी पिन पेचकस की मदद से इसे भी निकालेंगे इधर। तो ये जो है इसका आउटसाइड हो गया और ये इसका इनसाइड था। अब यहाँ पे चाहे ये निकाल लो चाहे वो निकाल लो, क्योंकि ये मेन सप्लाई की नहीं है, इसके अंदर भी एक लॉक होता है। पिन पेचकस की मदद से इसे भी हमने उठा के निकाल लिया है। अब इसकी जगह पे हम अपना रिले वाला जो है हमारे पास ये दिए हुए हैं, तो इसके हम जो है कनेक्शन इसमें करने वाले हैं। अपना मेल वाला साइड इसमें लगा देंगे, मेल साइड इसमें लगा देंगे इस तरीके से। और जो हमने जो लंबी वायर जो छीली थी वो इसीलिए हमने छीली थी ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से उसे हम लगा सकें। तो इसके अंदर लगा के अच्छी तरीके से हुक्सा बना के अच्छे से बांध देंगे इसे। अब ये सेट हो चुका है, अब इस पर टेपिंग कर देंगे। टेपिंग हमें हर जगह अच्छी तरीके से करनी है, टेपिंग अच्छी तरीके से कर देंगे ताकि कहीं भी कोई शॉर्ट वगैरह होने के कोई चांसेस ना रहे। इस तरीके से ये हो चुका है अच्छे से। अब इसकी जो है दूसरी साइड है, इसको जो है हम जहाँ से हमने निकाला था वहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। ये सेट हो चुका है, अब ये यहाँ पे से वापस कनेक्ट कर देंगे।
कनेक्ट करने के बाद अब जो है हम रिले को पावर की सप्लाई देने वाले हैं। इसको छील लेंगे और ये वाली भी छील लेंगे। अब जो हमने मेन सप्लाई पे दिए इसको हल्का सा स्लाइस कर लेंगे, कट नहीं करना है यहाँ से हमारे को। तो इस जगह पे हमें हमारे को अपनी ये वाइट वाली जो है वायर लगानी है जो रिले को पावर की सप्लाई देगी। यहाँ पे लगाने के बाद इसे भी अच्छे तरीके से टेपिंग कर देंगे क्योंकि इसके अंदर हमेशा पावर की सप्लाई आती रहती है। टेपिंग कर दी हमने अच्छे से। इसके बाद अब लास्ट वायर हमारी रह गई है रिले की। ये रिले की कमांड वायर है जिससे गाड़ी लॉक होती है। अब इसे हमने जो ओपन खुला छोड़ रखा है ये इसलिए टेस्टिंग के लिए होता है। तो मैं अभी आपको रिले टेस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अपनी जो है गाड़ी की चाबी को ऑन करेंगे। मीटर में लाइट आ चुकी है इस तरीके से और रिले को हमारे को टेस्ट करना है रिले हमारा सही लगा कि नहीं। तो ये जो हमारी जो पीली वाली वायर है इसको हम अर्थ पे लगाएंगे कहीं पे, तो हमारी जो मीटर की लाइट चली जाएगी। यहाँ मैंने तार लगाई है, लाइट जा रही है, तार हटाते ही वापस पावर आ चुकी है, लगाएंगे तो फिर चली जाएगी। यानी हमारी रिले प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। तो अब जैसे अगर कस्टमर चाहेंगे तो वो फ़ोन से गाड़ी को बंद कर सकते हैं, कभी भी गाड़ी लॉक हो सकती है फ़ोन से आराम से। अब इसको भी अच्छे से टेपिंग कर देंगे। टेपिंग करने के बाद इसकी जो है टेप खुले नहीं, इसके लिए छोटी टाई की मदद से इसे बांध देंगे जहाँ जहाँ पे हमने टेप किया है। इसके एक्स्ट्रा हिस्से को सब जगह से ये कट कर देंगे। अब जो हमारा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो दोस्तों अभी जो हमने इसकी वायरिंग कर दी है तो ये मैंने आपको दिखाया था कि पावर कहाँ पे लगेगी, तो ये पावर वगैरह यहाँ पे लगा दिया मैंने। रिले को इस तरीके से बांध देंगे किसी वायर के साथ करके। टाई लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर टाई नहीं लगाओगे तो जो है हमारा रिले ढीला होगा, उससे गाड़ी मिसिंग वगैरह मारेगी। तो ये टूरिस्ट गाड़ी है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, सवारी परेशान हो जाएगी। तो भाई अर्थ मैंने यहाँ पे लगाया हुआ हैवी नट के अंदर और डिवाइस हमारा जो है स्काई साइड फेसिंग करके यहाँ पे अच्छे से पन्नी में पैक करके यहाँ पे लगा दिया है और पूरी टेपिंग कर दी है वायरिंग के अंदर ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, वायर वगैरह कहीं शॉर्ट होने का कोई चांस ना रहे। वाइस की जो इंस्टॉलेशन हो चुकी है, मैंने इसे पूरा पैक कर दिया है। गाड़ी को ऑन करके एक बार चेक कर लेंगे। तो गाड़ी को एक बार मैंने ऑन कर लिया है। गाड़ी को ऑन करने के बाद वही जो इसमें बैटरी का आ रहा था बना हुआ सिंबल वही आ रहा है और बाकी सब कुछ सही है। एक बार अभी गाड़ी को हम स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। स्टार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट भी ओके है। तो दोस्तों अब जो है हमारी इस गाड़ी की इंस्टॉलेशन डन हो चुकी है। तो जो दोस्त सोचते थे यार कि बस है तो भाई कैसे इंस्टॉलेशन होगी, तो मैंने अभी आपको पूरी वायरिंग वगैरह सब कुछ दिखा दिया है किस तरीके से इसकी वायरिंग करनी है। तो यार जो दोस्त नए चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जो पुराने दोस्त है वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।